हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरी चैनल में, जिसका नाम है स्मार्ट लर्निंग स्टेप्स, प्रेजेंटेड बाय आशा शर्मा। सो आज हम इस वीडियो में एएसएमआर के बारे में जानेंगे। एएसएमआर क्या होते हैं? ये टेंस होते हैं, कौन से प्रेजेंट टेंस का पार्ट होता है। टेंस हमारे तीन टाइप के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और आज हम जो एएसएमआर करने वाले हैं, इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्रेजेंट टेंस सेकेंड पार्ट। प्रेजेंट टेंस के भी फोर पार्ट होते हैं, हम पार्ट डिवाइड यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पे करने वाले हैं एज, एम एंड आर। सो हम उसी पे ही फोकस करते हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट टेंस का सेकंड पार्ट होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम एज एम आर का यूज करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि प्रेजेंट टाइम में जो भी हम काम कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली होते रहना। प्रेजेंट मतलब करेंट टाइम पीरियड, और कंटिन्यूसली का मतलब होता है कंटिन्यू जो आप प्रेजेंट टाइम में कर रहे हो उसको लगातार वो काम हम कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड अ प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो उसी के अंदर आज हम एएसएमआर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसे हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सेंटेंस बनाते हैं। सो इसके से हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। एज है तो हम हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे। सेंटेंस, ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। राधा इज कुकिंग फूड, राधा खाना बना रही है। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रही है। एंड रोहित इज कमिंग हियर, रोहित यहाँ आ रहा है। ये सारे सब्जेक्ट आप देख सकते हैं सिंगुलर है, यानी कि एक है, और सबके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब इज का यूज किया है, क्योंकि सब्जेक्ट जो हमारा एक होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करते हैं, प्लस हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया है। देखिए, गो प्लस आईएनजी, कुक प्लस आईएनजी, सिंग में आईएनजी एंड कमिंग में आईएनजी। सो जब भी हम इसे सेंटेंस बनाते हैं तो हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं, एंड इज हमेशा सिंगुलर नाउन, यानी कि जब हमारा सब्जेक्ट एक होता है उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करते हैं। सेकेंड आता है हमारा एम। एम एम कहाँ यूज करते हैं, पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया इसका। इट इज ऑलवेज एंड ओनली यूज विद द फर्स्ट पर्सन इन अ सिंगुलर नाउन आई, यानी कि फर्स्ट पर्सन होते हैं, तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो हम आई का यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नाउन आई के साथ, हम एम का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, सेम होता है इसकी तरह, बस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज ना करके हम एम करेंगे। क्यों? क्योंकि आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब एम का यूज करते हैं। ये कह सकते हैं कि एम हमेशा आई के साथ यूज होती है, बाकी सिंगुलर नाउन ही, शी, इन सब के साथ यूज नहीं करते हैं हम। अगर हम आई से सेंटेंस बनाएंगे, क्योंकि एम हमेशा आई के साथ यूज हो रहा है, तो उसमें इतना ज्यादा कुछ मिसलिनियस नहीं है, बस हमें सेट करना है आई प्लस एम। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई एम कुकिंग फूड, मैं खाना बना रहा हूँ या बना रही हूँ। आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा रही हूँ। I am coming here, मैं यहाँ आ रही हूँ। तो हमने I के साथ am, क्योंकि I के साथ हमेशा हम am का यूज करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, cook में ing, sing में ing, coming में ing। और हमने अपनी बात को खत्म किया, रहा है रही पे, जो कि हमने इसके साथ, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की रिक्वायरमेंट होती है कि हम हमेशा अपनी बात को रहा रही पे खत्म करते हैं, ठीक है। सो I के साथ हम हमेशा am का यूज करते हैं। लास्ट हमारा आता है आर। आर हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज करते हैं? इसका यूज हमेशा किया जाता है जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में होता है, यानी कि प्लूरल नाउन के साथ हम आर का यूज करते हैं। इसका मतलब होता है कि जब हमारा सब्जेक्ट एक ना हो के एक से ज्यादा हो, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, इसकी जगह हम आर का यूज करेंगे। इसका भी जो स्ट्रक्चर होता है सेम होता है इस और एम की तरह, बट यहाँ पे हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को ही चेंज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब में हम आर कर देंगे सब्जेक्ट, क्योंकि हमारा वन मोर देन वन है, ठीक है। आई के साथ तो पता है एम यूज करते हैं, और जब हमारा सब्जेक्ट एक होता है तो हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करते हैं। बाकी सब तीनों में सेम है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। सो अब मैं बता दूं इसे सेंटेंस कैसे बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब आर से। फर्स्ट है, वी आर गोइंग टू मार्केट, हम मार्केट जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक से ज्यादा है, वी मतलब हम सब मार्केट जा रहे हैं। यू आर स्लीपिंग ऑन द बेड, तुम बेड पर सो रहे हो। तो यू क्या होता है, हमारा सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन में यू एंड सेकेंड में योर होता है। सो यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करते हैं, जैसे आई के साथ एम का यूज करते हैं। यू मतलब तुम।
तुम भी हो सकते हो, तुम सब भी हो सकता है। दे आर प्लेइंग इन द पार्क, वे पार्क में खेल रहे हैं, मतलब वे सब पार्क में खेल रहे हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा ये। दो स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग द क्लास, वो बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो देखिए जितने भी मैंने अंडरलाइन किए ये सब हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं, यानी एक से ज्यादा हैं। तो जो हमारे एक से ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब आर का ही यूज करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट एक होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे, और आई के साथ डेफिनेटली फिक्स होता है, एम ही आता है। आई के साथ ना इज आएगा ना आर आएगा, एम ही आएगा। इसको छोड़ के एक के लिए इज और एक से ज्यादा के लिए आर का यूज करेंगे, बाकी तीनों में ही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। देखिये यहाँ भी गोइंग है, यहाँ भी गोइंग है और यहाँ भी गोइंग है। हेल्पिंग वर्ब हमारी चेंज होंगी बट वर्ब की जो फॉर्म होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज नहीं होता है। सो ये इसकी आइडेंटिटी होती है कि हम कैसे और किस तरह से इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं जब भी हम कोई भी टेंस बनाते हैं या कोई सेंटेंस बनाते हैं। और इज एम आर प्रेजेंट कंटीन्यूअस को मैंने आपको बताया था सेकंड पार्ट होता है, बाकी इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन तीनों से ही मिसलिनियस कुछ सेंटेंस बनाऊंगी लेकिन वो इनकम्प्लीट होंगे, और लास्ट में हम उसकी बोलेंगे कि इसमें फाइंड आउट करो करेक्ट वर्ड को, जिसे मोस्टली एग्जाम्स में आता है कि इनकम्प्लीट सेंटेंस होते हैं लाइक अ फिल इन द ब्लैंक्स एंड कॉर्नर में उसकी वर्ब होती है, बोला जाता है फाइंड आउट द करेक्ट वर्ब इन द गिविंग सेंटेंसेस। तो वही प्रैक्टिस हम इसकी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट कनेक्टेड वो हमारी ही इज एम आर से ही होगी, तो वो आप अच्छे से तभी कर पाएंगे जब आप इज एम आर को अच्छे से समझेंगे। बाकी मैंने आपको एग्जाम्पल्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए थे तीनों ही हेल्पिंग वर्ब के, और आप अगर खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सारे डाउट्स भी दूर होंगे और आप अच्छे से इसको सीख भी सकते हैं कि कैसे इज एम आर का हमें यूज करना चाहिए। सो आई होप गाइज आपको आज का ये वीडियो इज एम आर का अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कोई अगर डाउट भी रहा होगा इस वीडियो के बाद तो प्लीज अपने डाउट शेयर करें, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं और मैं डेफिनेटली आपके हर एक क्वेरी के डाउट का आंसर करूंगी। और आप मेरे ऐसे ही काम को पसंद करें, ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप खुद के अपने कमेंट्स देना चाहते हैं, खुद के अपने थॉट्स बताना चाहते हैं, देन यू मोस्ट वेलकम एंड यू कैन शेयर योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऐसे ही मेरे काम को प्रेफर करते रहिएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली एंड हैव अ गुड डे।